हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोक क्या उसका इलाज भर देंगे जो ट्रैक्टर को रोकेगा। अपने ही देश में अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते 700 किसान शहीद हो गए, उन सभी किसानों को मैं नमन करता हूं। सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी ये कहेंगे 10 दिन, ये आपको जलील करेंगे पूरा, तो 10 दिन के लिए आप अपना तैयार रहना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो 125 करोड़ भारतीयों को विश्वास में लेकर ही आगे बढ़ते हैं। माने प्रधानमंत्री ने सोम कहा, मैं एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर हूँ, लगातार संवाद से प्रयास होता रहा और फिर भी उन्हें लगा कि विश्वास में कहीं कुछ ही लोगों को यदि विश्वास में कमी है तो भी उन्होंने कानून को वापस लेने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल चुनाव में वक्त है, लेकिन चुनाव से पहले तमाम सियासी दलों की सियासत तो तेज है। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके भी क्या सियासत करना है, और वही हो रहा है। इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अब राकेश टिकैत जो खुद को किसान नेता कहते हैं, वो दरअसल एक पार्टी विशेष के खिलाफ लगातार लोगों को भड़काते हैं। ये तो चल रहा था, और अब जब 3 कृषि कानूनों पर राकेश टिकैत की मांग थी, किसान आंदोलन की मांग थी कि इन्हें वापस कीजिए, वापस करेंगे तो हम घर लौटेंगे, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने उन्हें वापस किया तो राकेश टिकैत अपने धरने पर बैठे रहे। अब 6 मांगे आ गई, जिनमें से MSP सबसे प्रथम है। अब इन मांगों के साथ और सरकार पर दबाव बनाने के लिए राकेश टिकैत ने एक बार फिर से वही नीति तय कर ली है और कहा है कि हर रोज 500 ट्रैक्टर पहुंचेंगे संसद में, घेराव करेंगे। ये क्या बताना चाह रहे हैं राकेश टिकैत? 26 जनवरी भूल गया क्या? देश भूल चुका है क्या 26 जनवरी? देखा था ना लठैतों ने क्या किया था, हुड़दंगियों ने क्या किया था, जिसको राकेश टिकैत अपना नहीं बताते थे, जिसे BJP के एजेंट बताते थे, उन्हें पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने 2-2 लाख रुपये मुआवजा दिया। क्यों दिया, किसको दिया? अब कहते हैं मुकदमे वापस ले लो, उन हुड़दंगियों के खिलाफ भी जो मुकदमे चल रहे हैं उनको भी वापस ले लो। ये राकेश टिकैत की नीति है, इसी नीति पर बात करूंगा, इसी के खिलाफ शंखनाद करूंगा, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहा हूं। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, राकेश टिकैत से ही जुड़ी हुई है। किस तरह से राकेश टिकैत अब किसानों को बरगलाने की जो उनकी नीयत है वो एक बार फिर से आई है, और किसानों को बरगलाने से वो बाज नहीं आ रहे। तो बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं, किसानों को बरगलाने से बाज नहीं आ रहे राकेश टिकैत, और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को राकेश टिकैत ने फिर से भड़काया है। अगले 10 दिन की तैयारी कर ले किसान, ये कहना है राकेश टिकैत का। गाजीपुर बॉर्डर से कहा है, हमारी मांगों पर विचार करने के लिए संसद सत्र का वक्त है। 29 तारीख से संसद सत्र, शीतकालीन सत्र, कैबिनेट में पास हो चुका है कि कृषि बिलों को जो प्रधानमंत्री ने वापस करने की बात कही है, कैबिनेट में उसके ऊपर प्रस्ताव भी पास हो चुका है, और शीतकालीन सत्र की जैसे ही शुरुआत होगी वहां पर इस पर मुहर लगने की बात भी हो रही है। लेकिन राकेश टिकैत और कैसे भड़का रहे हैं एक बार वो भी सुन लीजिए, फिर अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। जब तक पार्लियामेंट चलेगा, सरकार के पास में सोचने का, समझने का सब टाइम सरकार के पास में है। 29 तारीख से और 23 तारीख तक चलेगा पार्लियामेंट। हम फैसला पार्लियामेंट चलने पर लेंगे, फिर आगे हमें आंदोलन कैसे चलाना, आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। और 27 तारीख की है संयुक्त मोर्चे की मीटिंग, कल भी फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख को ट्रैक्टर मार्च है, जो 30 ट्रैक्टर जाएंगे इस बॉर्डर से भी का रास्ता खुला हुआ होगा, तो हम 30 ट्रैक्टरों के साथ में 500 लोग जाएंगे 29 तारीख को। और 10 दिन तो आपको झेलना भाई, 10 दिन तो प्रेस, मीडिया के लोग, सोशल मीडिया, बीजेपी के लोग सब कहेंगे जी घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी ये कहेंगे 10 दिन, ये आपको जलील करेंगे पूरा, तो 10 दिन के लिए आप अपना तैयार रहना। तो 3 ट्रैक्टर से हर दिन 500 लोग जाएंगे संसद में,
यानी एक बार फिर से ट्रैक्टर को जरिया बनाया गया है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े सबसे पहले शंखनाद में उनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उसके बाद सीधे अपने सहयोगियों का रुख करूँगा। मेरे साथ इकबाल खान साहब हैं, किसान नेता हैं, राकेश सिंह साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं उनसे मिलिए। रजनीश हैं टिकरी बॉर्डर से, अंजीत हैं गाजीपुर बॉर्डर से, करिश्मा प्रयागराज से, प्रिया सोमवंशी हमारे से जुड़ेंगे गोरखपुर से, और मकसूद भी जुड़ेंगे अयोध्या से। सबसे पहले शुरुआत में करिश्मा आपके साथ कर रहा हूँ, बात चल रही है, 29 तारीख करीब है, लेकिन उसके बावजूद ये शक्ति प्रदर्शन क्यों? बिल्कुल रोहित, एक तरीके से सियासत चमकाने की कोशिश प्रयागराज में मैं हूँ, लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाता है कि यहाँ के किसान आखिर क्या सोचते हैं, क्या यहाँ के किसान उस आंदोलन में जिसको शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि बीते दिनों से हम कहीं देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हालात बन रहे हैं। आंदोलन को लेकर क्या सोचना है? हम यहाँ इलाहाबाद का कोई भी किसान उस आंदोलन में शामिल नहीं होगा, और हमारी हुंकार है यहाँ से कि राकेश टिकैत को दिल्ली को खाली करना होगा। राकेश टिकैत दिल्ली खाली करो, यहाँ के किसानों का ये कहना है, आपकी क्या सोच है? अभी तक आंदोलन को खत्म हमारा किसान से कोई मतलब नहीं है, किसान अपना काम कर रहा है, हमारा तो केवल धनगर मुद्दे से मतलब है। हमारा जो धनगर मुद्दा है सरकार उसको क्लियर करे। ठीक है, आपका क्या सोचना है? सरकार ने इतनी दफा बातचीत के लिए बुलाया, बोल भी दिया, तीन कानून वापस करते हैं। हमारा कहना यह है कि गंदी राजनीति बंद करें और किसान आंदोलन बंद। आप भी किसान हैं तो वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं वो आखिर कौन है? वो जो है सब राजनीतिक हैं, कोई वहाँ अच्छे किसान नहीं है, सब विपक्षी लोग हैं। राजनीतिक एजेंडा है विपक्षी वहाँ पे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसानों की आड़ में राजनीति हो रही है, आपका भी ये सोचना है किसान भाई हैं आप भी? जी मैं किसान हूँ, वहाँ पे टोटल विपक्ष की राजनीति हो रही है, इलेक्शन को देख के राजनीति हो रही है, वहाँ पे किसी प्रकार का ये इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, ये सब उग्रवादी लोग हैं। अब बार बार कह रहे थे कि एमएसपी। ठीक है, करिश्मा आता हूँ। अंजीत मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अंजीत जुड़ चुके हैं क्योंकि आज एक साल पूरा हो गया ना, 26/11 आज की तारीख में ही धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, और एक साल पूरा होने के बाद ट्रैक्टर से कई जगह से हमने देखे कि किसान पहुंच भी रहे। अंजीत दिन भर कवर कर रहे थे, अंजीत किसानों को अब बरगलाने का मतलब क्या है? देखिए, अब बरगलाने का मतलब यह है कि 2022 उनकी नजर में है, जो मुझे लगता है रोहित कि 2022 नजर में है इसलिए बरगला रहे हैं, और कोई दूसरी तीसरी वजह नहीं हो सकती, और इसके पीछे की एक वजह और हो सकती है कि वो अपनी दुकान चलती रहे, संभवतः इसलिए वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो जानते थे। आप देखिए लड़ाई क्या थी रोहित, आप इतने दिन से खुद गाजीपुर आए थे, आपने बहुत लंबा वक्त कवर किया था, लड़ाई तो सिर्फ एक ही थी ना कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दो, सिर्फ लड़ाई ये थी, बात इस पर होती थी, और वो तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, हम साफ दिल से इस कानून को वापस लेते हैं। उसके बाद बचा क्या आपके पास? नैतिकता ये कहती है कि फौरन वापस लौट जाना चाहिए था, और ऐसे बची नहीं कोई, हर बार जब भी बोला इन्होंने कि हम ये नहीं करेंगे वही किया, लोगों ने 26 जनवरी के दिन क्या हुआ दिल्ली में सब देखा गया, लेकिन वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जब 2022 आपके जहन में है, आप बंगाल चले गए, आप पंजाब जाने की बात कर रहे थे, अब आपके जहन में उत्तर प्रदेश है 2022 का चुनाव, तो आप 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारी रणनीति बनाते हैं कि नहीं 6 मांगे। आप रोहित बताइए ना कि 6 मांगे आपने दे दिया और आप बाद में 10 मांगे और दे देंगे, कहते इसको भी मान लो, तो आपके हिसाब से तो देश नहीं चलने वाला है ना। आप देखिए अंजीत, अगर किसान तो स्टूडियो में रहकर भी आपने कई बार खबरें बताई ना कि राकेश टिकैत या संयुक्त किसान मोर्चा के लोग कहते हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, हमारी कोई राजनीतिक मंशा है नहीं, लेकिन दर्शन पाल के बारे में पता चलता है कि वो भी एक पार्टी बनाकर पंजाब में चुनाव में उतरने वाले हैं, तो राजनीतिक मंशा क्या ये सोचिए, पंजाब हो यूपी हो हर जगह कहीं ना कहीं नजर आने लगता है, पॉइंट ये है। खैर आता हूँ अंजीत, आऊंगा फिर से अपडेट लूंगा। रजनीश भी जुड़े हुए हैं, प्रिया सिंह भी हमारे साथ है। प्रिया, राकेश टिकैत क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या समझ में आया? देखिए, तीन कृषि कानून से ये आंदोलन शुरू हुआ था, वो अब खत्म हो रहा है, निर्णय ले लिया गया कि इसको वापस लेंगे, लेकिन ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, एक बार सरकार इनकी बात मान चुकी है और अब लगातार इसमें सलाह मशवरा सरकार हमसे करे, ये एक एक चीज हर एक नए दिन के साथ एड ऑन होता जा रहा है और विपक्ष का इसको समर्थन मिलता चला जा रहा है इस आंदोलन को। आप सरकार से बातचीत कीजिए, आप कब तक इस तरीके से दिल्ली को बंधक बना कर रखेंगे, आप अपनी बात पहुंचाइए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया, इस चीज का जवाब राकेश टिकैत
आपके पास नहीं है, आंदोलन आप कर रहे हैं, अपनी मांगों को आप रख रहे हैं, आम लोगों को भी तो परेशानी हो रही है ना। बाकी चीजें अगर हम छोड़ दें, बॉर्डर आपने घेरा हुआ है, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, जहां हम दिन रात देखते थे रोहित कितनी दिक्कत होती है दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट कर पाने में, ये चीजें राकेश टिकैत को नहीं, और संसद तक हम कूच करेंगे, मार्च लेके जाएंगे, तब इनको बाकी चीजें ध्यान में नहीं रहती है, तब संविधान कहा गया, इस देश का कानून कहा गया, उसकी व्यवस्था कहा गई, ये सारी चीजें आंखों से ओझल हो जाती है। रजनीश, रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से आप मिले ना, खुशी का दिन था उनके लिए, एक साल की संघर्ष के बाद, एक साल की लड़ाई के बाद आपने जीत हासिल की सरकार से, सब ठीक है सर, घर जाके मनाते हैं संघर्ष जीत वाली खुशी ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता, सड़कों पे बैठकर जो डेली उस सफर से गुजरते हैं, उस सड़क से गुजरते हैं, उनको कितनी तकलीफ हो रही है इस एक साल में, क्या उनके बारे में कोई सोच रहा है क्या? देखिए रोहित, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, चाहे वो गाजीपुर की बॉर्डर की बात की जाए या टीकरी बॉर्डर की बात की जाए। मैं टीकरी बॉर्डर के नज़दीक ही एक गांव है झड़ौदा कला, वहां के खेतों में मैं मौजूद हूं, क्योंकि खेतों से ही ये राजनीति शुरू हुई है और खेत के किसान ही बताएंगे कि आखिर असली तस्वीर है क्या। राकेश टिकैत कर क्या रहे हैं? राकेश टिकैत गलत ही कर रहे हैं, हमारे लिए उसमें नहीं है ये। राकेश टिकैत कर क्या रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2022? बिल्कुल राजनीति कर रहा है, बिल्कुल राजनीति। किसान की एक भी मांग पूरी नहीं मांगता ये एक भी, सिर्फ ये अपनी मांग के लिए खड़ा है, मतलब हर की बात में सोचते हुए भी कहते हैं ये सिर्फ मोदी विरोधी है, मोदी विरोधी। 2022 में उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन है, योगी को हटाने की जो कवायद है उसको लेकर सारी चीजें की जा रही है। यूपी के लिए आज पहले बता देते हैं, योगी है तो यूपी योगी रहेगा, और योगी यूपी तो चला गया ना, तो इसका भी है ना दिल्ली की तरिया इसका भी मतलब बट्टा बट कर देगा। योगी उपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए, आपका क्या कह रहे हैं? टिकैत कल क्या रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टिकैत राजनीति कर रहे हैं, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, पिछले एक साल हो गया, हमने भी आपके चैनल पर कहते हुए एक साल से राजनीति कर रहा है, और यूपी के लिए तो योगी ही उपयोगी है, इसके अलावा वहाँ। अच्छा एक बात और रजनीश, इन किसानों को बता दीजिए, एक बार ये अपनी आइडेंटिफिकेशन फिर से बता दें कि ये किसान है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो उस आंदोलन में राकेश टिकैत के साथ नहीं खड़ा है वो किसान नहीं है, वो बीजेपी के लोग हैं। मैं रोहित सीधा इन्हीं से पूछता हूँ, आप सुनिए क्या कहना है। राकेश टिकैत का कहना है, साफ तौर पे कहना है, एक बार नहीं हजार बार वो कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ नहीं है वो किसान नहीं है। आप किसान हैं? हम किसान हैं और उनके साथ भी थे, लेकिन आज वो हमें कहते हैं हम किसान नहीं था, हम ये क्या, ये जमीन किसान में और कौन कर रहा है ये खेती? आप देखो, आप किसान हैं? आप किसान हैं? कम से कम 10-12 एकड़ जमीन बोते हैं हम। बाबा आप किसान हैं? अरे सरसों बो रखी उन्हें। राकेश टिकैत तो कह रहा है कि जो लोग हमारे साथ नहीं वो किसान है ही नहीं। राकेश टिकैत ही खुद किसान नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर है, वो प्रॉपर्टी बना रहा है। राकेश टिकैत ना तो किसी को किसान मानता, इसकी बात कह देते तो उसको क्या कहता, ये हमारा आदमी है, और ना तो ये प्रधानमंत्री को मानता, ना ये संसद ना मानता, ना ये पहला 11 बार उठ बैठ होली उनको नहीं मानता, ये किसको मानता है कहते, ये बताओ किसको मानता है? देखिए देखिए रोहित, ये किसानों का दर्द है, जो असल किसान है उनका दर्द। रजनीश अब कोई कमेंट नहीं, अब कोई कमेंट नहीं, अब मैं सीधा किसान नेता के पास चल रहा हूँ। ठीक है सर, मैंने सुन लिया, रजनीश सबको सुन लिया, दर्शक को भी सुनने दीजिए, कोई एडिशनल कमेंट की जरूरत नहीं है। इकबाल खान बताएंगे। इकबाल जी, किसान नेता हैं आप, ये किसान हैं, प्रतिक्रिया सुन रहे हैं, ये धमकी देना, शक्ति प्रदर्शन करना, ये आंदोलन का तरीका है क्या? वैसे में तब जब आपकी मांगे मानी गई, जो सबसे जरूरी सबसे प्राथमिक थी। रोहित जी, पहली बात है किसान नहीं है, अगर ये किसान होते तो एमएसपी की बात करते, किसान की आय की बात, फिर वही बात। रजनीश 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 एक मिनट, रजनीश अपने अपने कान से ईयरपीस निकाल के उनके कानों में लगाइए या स्पीकर पे रखिए और सुनाइए कि क्या बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा था, फिर बोला इन्होंने, ये किसान नहीं है, किसान वो है जो राकेश टिकैत के साथ बैठे, किसान वो है जो शंखनाद में स्टूडियो में इकबाल साहब बैठे, किसान नेता। अब सुनिएगा, बोलिए उनको सबको सुनने के लिए। इकबाल जी आप अपनी बात कीजिए, ये किसान नहीं है आप कह रहे हैं ना। रोहित मैं सीधा ईपी लगा रहा हूँ, सीधे इनसे बात कीजिए। देखिए इकबाल खान का कहना है कि आप लोग, इकबाल खान बोलिए, नहीं नहीं कुछ कोई कमेंट नहीं, रजनीश कोई कमेंट नहीं, रजनीश किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए आपका। इकबाल हम किसान हैं, एमएसपी भी आपका साथ है, सुनिए एक चीज, सुनिए बाबा सुनिए,
आपने तो जो जो भी गलत बोलते हैं उसको चाचा सुनिए, चाचा सुनिए, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए, ये राकेश टिकैत के सहयोगी है, सुनिए राकेश टिकैत के सहयोगी, पहले सुन लीजिए फिर अपनी नाराजगी जाहिर कीजिएगा। सुनिए इकबाल साहब क्या बोला आपने, ये किसान नहीं है, ये नकली किसान है। बताओ बताओ ये बताओ मुझे एमएसपी क्या है, एमएसपी भी कौन बता दो आप मुझे, और एमएसपी किन किन चीजों को मिलती है अगर आप किसान हो ये बता दो, और एमएसपी जो हमारी एमएसपी लागू हुई वो कौन सी समय लागू हुई, एमएसपी आपने इन्हें नकली बोला था ना, अभी बोलिए ना आप, आपने क्या बोला ये नकली किसान है, नहीं नहीं आप अरे पूछिए नहीं सर, आपने क्या है ना आपने शुरुआत की किसान आंदोलन के तौर पे, अब आप राजनीति करते हैं इसलिए आप राजनीतिक बयानबाजी देते हैं, ये किसान है या नकली किसान है, अरे भाई नहीं ये तो नकली है ना, ये रंग मत बदलिए सर, मैंने रंग बदलते हुए देखा सर, आप लोगों ने गिरगिटों को पीछे छोड़ दिया, तुरंत रंग मत बदलिए, आपने क्या कहा नकली कहा था ना इनको, आपने नकली कहा था ना इनको, अरे भाई बता रहे हैं अभी तो नकली बता रहे थे, आप एमएसपी मांगी हो, जो जायज कानून है उसके साथ जल्दी पलट गए, आपसे पहले हम बलिदान दे देंगे, मुझे एमएसपी की बता दो, एमएसपी क्या चीज है, एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, जो जो फसल आप बो रहे हैं, हम कहते हैं मेरी बात सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरे बात, जो आप फसल बो रहे हैं लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, जिसकी उसमें लागत आती है उससे हमें डेढ़ गुना मिलना चाहिए, हम कहते हैं हमारे खेत की जो लागत है वो मिलनी चाहिए, पर आप भी तो बैठ कर मांगने सही करो, आप जिसको भी कहते हैं उसको कह देते हैं ये नकली है ये असली है ये फलाना है ये डकड़ा है, जो हम भी हम इसके साथ है, हम भी साथ है, अब जायज मांगो, अब तो कानून भी वापिस हो गया, हर चीज वापिस होगी, अच्छा इकबाल साहब एक सेकंड, एक काम करता हूँ इसको और आसान कर देता हूँ, एक बार चाचा सुनिए चाचा, ये इकबाल खान है राकेश टिकैत के सहयोगी हैं, और इन्होंने पहला लाइन जो कहा ना वो कहा था कि नकली किसान है, अब आपको जो है ना भ्रमित किया जा रहा है, इनको जो है प्रदेश के प्रधानमंत्री पर जो लोकतंत्र की व्यवस्था से चुनकर आए ना प्रधानमंत्री, उनकी बातों पे एतबार नहीं है, लेकिन ये जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर किसान आंदोलन को चला रहे हैं ना, वो कहते हैं उनके बात पे भरोसा के लिए, चाचा चलिए ठीक है इनकी अपनी एजेंडा, लेकिन मुझे बताएं चाचा सुनिए ना राकेश टिकैत से क्या परेशानी है आपको, चाचा राकेश टिकैत से क्या परेशानी है आपको, राकेश टिकैत से आपको क्या परेशानी है, इकबाल खान सुनिए पहले, यह परेशानी है इन राकेश टिकैत से, यह परेशानी है एक साल हो गया दिल्ली को बंधक बनाए रखा, 26 तारीख तक राकेश टिकैत का हमने साथ दिया था, अपने घर से भी जा के खेती के गोभी दी सब कुछ दिया, और इसने हमारे देश का झंडे का अपमान किया, अब ये मोदी साहब का अपमान, हमारे राज्य का अपमान, हमारे प्रधानमंत्री का अपमान, ये किसी को मानता ही नहीं मानता ना, तो ये बताओ किसको मानते है, ये भगवान को भी नहीं मानते, मैं भी जानता हूँ ये सर विरोधी बैठे हैं, मोदी विरोधी ऐसी बात नहीं, मुझसे भी आता है, मगर आप अभी तो भाई साहब चल रहा है हमारी बात की है, हम इकबाल खान हमने पहले नकली बताया, पहले नकली बताया फिर भाई बताया और अब धमकी दे रहे हैं कि चिल्लाना आपको भी आता है, कभी नकली बताते हो कभी भाई बताते हो कभी वैसे दुश्मन बताते हो, चिल्लाना मुझे भी आता है, मेरी बात सुनिए आप, पहले बात मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ, जो आपने सरसों बोल रखी है पीछे, जो आपने सरसों पीछे बोल रखी है तो दिखाई दे रही है मुझे, क्या उसकी एमएसपी मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए, ये आप चाह रहे हो सरसों को गली में बेचने से आओगे या दलालों को बेचने से आओगे, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझे बताइए कि आपको गन्ने का मूल्य 450 मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो मक्का आप बो रहे हैं उसका एमएसपी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, जो बाजरा कपास इनका एमएसपी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इकबाल खान सब कुछ पूछ लिया ना, मैं आपसे बोलूं तीन कृषि कानूनों में जो दिक्कतें आपने बताई थी ना उन कहानियों को जरा एक बार समझा दीजिए, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप, परेशानी ये है ना कि आप भोले वाले लोगों को बरगला रहे, इसको कहते हैं बरगलाना, ये कहते हैं देश के सरकार पर आपको भरोसा नहीं, देश की सरकार पर आपको भरोसा नहीं, आप बीजेपी बीजेपी करके हर मन से बोलते हैं सरकार की राजनीति, प्रधानमंत्री को लेके मुर्दाबाद कहिए, ठीक है सर यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबको हक है, वही आप करते हैं कीजिए, ये जो है ना बरगलाना, छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेना, राकेश भाई माफी के साथ वक्त नहीं दे पाए क्योंकि मुझे दिखाना था
कि पहले क्या कहा इन किसानों को कि ये नकली किसान है। जब नकली का डर लगा इनको कि अब ये भड़केंगे किसान, तो ये बोलते हैं कि अरे भाई हैं, जब भाई से भी काम नहीं चला तो धमकी दे रहे हैं। धमकी क्या दे रहे हैं? चिल्लाना मुझे भी आता है, ऐसे जैसे बक्कल उतार रहे, बक्कल उतार रहे राकेश टिकैत को आता था, वही धमकी का अंदाज इकबाल खान का। ये देखिएगा राकेश जी, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते के साथ सीधा मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, शंखनाद जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं शंखनाद सीधा लखनऊ से, लखनऊ से यानी ग्राउंड जीरो से। और देखिए बरगलाना किसे कहते हैं ना, वो समझ में आ गया, अंदाजे बयां क्या होता है ये भी दिख गया। इकबाल खान साहब हैं, किसान नेता है, राकेश टिकैत के साथ मिलकर अभी आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, सड़क रोकना, ट्रैक्टर निकालना और बक्कल उतारना सब कुछ करते हैं। इसलिए अभी उन्होंने बताया जो किसान भाई है रजनीश के साथ, सबसे पहले उनको नकली का सर्टिफिकेट दे दिया और जैसे उन्होंने सुना कि नकली बोलने पे वो गुस्से में आ जाएंगे, भाई बना दिया, और भाई से भी काम नहीं चला तो फिर उन्होंने क्या किया, आवाज़ हम भी ऊँची कर सकते हैं, जैसे बक्कल उतार सकते हैं ये। बहरहाल राकेश जी अब तो समझ में आ गया सर, बहलाओ बरगलाओ जैसे भी हो मनाओ। अभी तक ये लोग जो कह रहे थे नारा तो यही दे रहे थे ना इकबाल जी, नारा यही था जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। अगर ये आपका नारा था और राकेश टिकैत रोज दोहराते थे कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, तो कानून वापस हो गया तो घर वापस जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी तक भारतीय किसान यूनियन ने जितने आंदोलन किए हैं उसके इतिहास में चले जाइए तो क्या मिला है आपको। रकबपुर का आंदोलन आपको याद होगा, अगर बहुत पुराने जुड़े होंगे तो, आंदोलन चलता है उसके बाद गोलियां मिलती हैं पुलिस की, उस समय का क्रूर शासन था, तब भाजपा का शासन नहीं था। शामली में आपने आंदोलन किया, 5 किसान मारे गए शामली के किसान आंदोलन में, मांग तो छोड़ दीजिए, ये ऐसा क्रूर शासन था। और अभी 88 में बाबा टिकैत ने कम से कम 5 लाख किसानों के साथ दिल्ली में डेरा जमाया था। जरा इकबाल जी इतिहास को झांकिए, आपको हर आंदोलन में क्रूर शासन, और दूसरा आपके नेता राकेश टिकैत आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं, आरएलडी ने सपा और कांग्रेस से गठबंधन में सरकार बना चुकी है, क्यों नहीं आपने एमएसपी लागू करवा दिया, आपके संबंध तो रहे हैं। नहीं आपको पता नहीं है, आपको नहीं पता है, मैं कह रहा हूं कि आपके नेता राकेश टिकैत आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं ना, आरएलडी का शासन रहा है ना, आरएलडी का सपा से सरकार ठीक नहीं थी, क्यों नहीं आप एमएसपी में कानून बनवा लिया, कांग्रेस से अजीत सिंह का गठबंधन था कि नहीं, क्यों नहीं कानून बनवा लिया। आपको पहली बार ऐसी सरकार मिली है कि आपको उपद्रव करने का मौका दे दिया, आप लाल किले पर चढ़ जाएंगे, आप पुलिस को दौड़ाएंगे, आप मारेंगे, इसके पहले आपका क्या होता था, एक मांग आपकी नहीं मांगी जाती थी, पहली ऐसी संवेदनशील सरकार है और जिसकी वजह से आप अपनी राजनीति। ठीक है राकेश जी इकबाल खान, राकेश जी और इकबाल खान दोनों को मैं रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ। करिश्मा मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है प्रयागराज से, उनके साथ भी किसान है और करिश्मा के पास इस वक्त एक बड़ी खबर है। करिश्मा ओवर टू, जल्दी से बताइए ब्रेकिंग क्या है और उसके बाद किसानों से बात करेंगे, असली है या नकली है जरा पूछेंगे। जी बिल्कुल, एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, अखिलेश यादव ने एमएसपी कानून बनाने की मांग की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार विपक्ष जिस तरीके से किसानों की आड़ में सियासत कर रहा है वो लगातार जारी है। अखिलेश ने कहा कि कानून वापस हो गए लेकिन एमएसपी कानून आखिर क्यों नहीं बना, एमएसपी कानून बनना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार को एमएसपी कानून बनाना चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा है। तो रोहित लगातार हम देख रहे हैं कि किसानों का कंधा और विपक्ष की बंदूक, लगातार किसानों की आड़ में यह सियासत हो रही है। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा ये भी सुनिए। किसी कानून तो वापस हो गए लेकिन एमएसपी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कानून लाना चाहिए, किसी कानून तो वापस हो गए लेकिन एमएसपी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कानून लाना चाहिए। मैं बिना देर किए एक बार फिर से करिश्मा का रुख करूंगा। करिश्मा है क्या आपके साथ किसान वहां पे, जरा बताइएगा कि वो असली है कि नकली है और क्यों राकेश टिकैत का विरोध कर रहे हैं भाई, वो तो किसानों का झंडा बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल, आप भी किसान हैं और वहां भी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम किसान हैं, तो ये बताएं तो क्यों आप इस आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत अभी भी गरमाई हुई है। ये सियासत गरमाती रहेगी, इनको जो है विधानसभा का चुनाव लड़ना है, अगर सरकार ने समय रहते न चेता तो इनको जो है ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन जैसा इंदिरा गांधी के समय में हुआ था
इसमें बहुत सारे उग्रवादी सम्मिलित हैं, इनको हटाने के लिए इनको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो आपको लगता है सरकार को अब सख्ती से पेश आना चाहिए? बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? जी, क्योंकि इनके पास राजनीति करने के लिए कोई तथ्य तो है नहीं, अब सारे तथ्यहीन हो गए हैं। तो सरकार को मनसा को गलत ठहराने के लिए राकेश टिकैत अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। हम उनसे फिर से आह्वान करेंगे, राकेश टिकैत जल्द से जल्द दिल्ली को खाली कर दें। किसान है रोहित, और यहाँ के किसान कह रहे हैं कि हम राकेश टिकैत को कह रहे हैं कि राकेश टिकैत दिल्ली खाली करो, क्योंकि वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। मैं एक साधारण सा किसान हूँ, लेकिन चाहिए हमारे सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, किसानों के बीच में बैठ कर करके जा करके कितनी दफा बातचीत हुई था, वो कितनी दफा बातचीत के लिए बुलाया। अब देश का प्रधानमंत्री आकर देश की जनता के सामने कह रहा है कि भाई हम क्षमा चाहते हैं, हम किसानों को समझा नहीं पाए। आप लोग को तभी भी समझ में नहीं आता? वो किसानों के कहाँ समझाने गए थे हमें नहीं मालूम है। किसानों के ठीक है, आता हूँ अंजित का, रुक करूंगा। ठीक है ठीक है, वो किसानों को कहाँ समझाने गए, ये हो सकता है इकबाल खान नहीं सुन पा रहे होंगे। इकबाल खान हो सकता है नहीं सुन पा रहे होंगे। मैं सुन अगर सुन रहे हैं इकबाल खान तो थोड़ा सा और सुन लीजिएगा। अंजीत का भी रुक करता हूँ। अंजीत, अब असली कौन नकली कौन ये जनता तय कर ले, दर्शक तय कर ले, देश का हर एक आम आदमी तय कर ले। लेकिन मैं तो पूछूंगा, मैं भी आम हूँ और दिल्ली की सड़कों से गुजरने वाले हर आम लोग ये पूछ रहे हैं, भैया हमारा 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 रास्ता कब खाली होगा? सर आप पहले बात तय तो कर लेते, करना किस पे था? नहीं सर, ऐसा है ना सर, वो दाढ़ियों, अरे सर सुनिए सर, आप भी दाढ़ियों पर बड़ी बातें होती थी, आपकी मांग हो गई दाढ़ी, हर दिन बढ़ जाती है सर। नरेंद्र मोदी की दाढ़ी पर बड़े कटाक्ष करते थे, वही वैसी हालत हो गई है सर। अरे 12 दौर के मुद्दों पे आपने सिर्फ एक ही, अरे तख्ती लेकर आप बैठ के वहाँ पे करते थे ना सर, तख्ती लेकर मीटिंग में भी जाते थे ना, तख्ती लेकर। तीनों काले कानून वापस लो, यही तो नारा था ना आपका, उस पे एमएसपी पीछे लिखा था क्या? टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल। अच्छा वो बाद में फिर काला कानून आ गया, बाद में सर वो तो बाद में काला कानून आ गया वापस उसमें ऐड, सर उसमें फिर पराली भी आ गया, उसमें बिजली भी आ गया, उसमें ट्रैक्टर भी आ गया, उसमें उपद्रवियों को छुड़वाना भी आ गया, सब कुछ छोड़ दीजिए सर, कुछ और भी है जोड़ लीजिए। एक बार अंजित के पास मैं भी जोड़ लेता हूँ अपने आप को। अंजित देखिए मैं तो बोल रहा हूँ ना कि भाई सब सच्चे हैं, जितने लोग वहाँ आंदोलन में कहे ना सब सच्चे हैं, झूठे तो सिर्फ वो हो गए जो देश के लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, देश की संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, वो सब झूठे हैं। लोकतंत्र पर ये लोग विश्वास नहीं करते, अगर लोकतंत्र पर विश्वास करते। अंजीत हाँ सर मुझे पता है आप बहुत विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा भरोसा आपको लोकतंत्र पे है, इसलिए बक्कल से जो है आप पुलिस वालों को धमकाते हैं। ये रोहित ये उतना ही भरोसा करते हैं रोहित, कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कानून वापस हो गया लेकिन ये घर वापसी इनकी नहीं हो रही है। लेकिन रोहित एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पूरे दिन मैं गाजीपुर था, कई लोग ऐसे आए जिनको वहां से अपने घर जाने में दिक्कत होती है, उनमें कुछ महिलाएं भी थी, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि कुछ हमारे बारे में बात करिए। हमने कहा हम आपके बारे में ही बात करें। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से जो दुर्गति हो रही है, जो झेल रहे हैं, उसको बयान नहीं कर सकते, उसके पीछे की वजह यह कि रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, वो वापस आ नहीं सकते, कोई रॉन्ग साइड जाना चाहता है उनको पुलिस रोक देती है, वो नकली लोग हैं से जाता है, नकली लोगों के दर्द को कोई नहीं सुनने वाला। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और यही बड़ा सवाल है कि आखिर उनके दर्द को लोग कब सुनेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने की तैयारी चल रही है और इसी गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। रोहित बड़ी खबर यह है कि किसानों को दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है, गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया। NH-24 पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी, हाईवे पर फिर से कंक्रीट के ब्लॉक लगाए गए हैं,
पिछले दिनों बैरिकेटिंग और ब्लॉक को हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से बैरिकेट किया जा रहा है। और आज दिल्ली पुलिस बकायदा ड्रोन से निगरानी कर रही थी बैरिकेटिंग, मैंने देखा कि ड्रोन से निगरानी हो रही थी, बैरिकेटिंग किया जा रहा है। ये सोचिए कि कितना और ज्यादा परेशान करेंगे जो लोग आसपास रहते हैं, उनके साथ परेशानी से कोई मतलब नहीं है, और बढ़ाना चाहते परेशानी से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, राकेश जी के पास मैं चलूंगा, मुझे उम्मीद है कि राकेश जी अपनी बात रख पाएंगे। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ राकेश जी, क्योंकि इकबाल जी हैं, वो शायद आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे तो हो सकता है कि वो आपको इंटरप्ट करेंगे। लेकिन मैं एक बात याद दिला दूं, जब पिछले 26 दिसंबर से नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ ना, तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठंड है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों महिलाओं को वापस भेज दो, कोविड आ गया, कोविड का खतरा देखते हुए कहा गया धरना खत्म कर दो, कोविड से बच जाओ, सरकार से फिर लड़ना ना, हम तो रहेंगे, हमारा तो एजेंडा क्लियर है भैया, सरकार को झुकाना है। सब कुछ कर लिया, ये किसी को नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाइए, निरस्त कर दिया 2 साल के लिए ये कानून, कमेटी बनाइए, बैठक कीजिए, चर्चा कीजिए, उसके बाद तय करते हैं। ना, हम नहीं सुनेंगे, भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री आके कहते हैं देश के नाम संबोधन में, वापस लेते हैं, ये ऐसे दिया जलाया था सच्चा दिया, हो सकता है हमारी तपस्या में कमी रहेगा। ना, नहीं सुनेंगे। लेकिन इनकी हर कोई सुनो, इनकी हर कोई सुनो, यही सच्चे। अब ये बता दीजिए, हम नकली लोग जो देश में अब हो गए हैं, जिनको समझ नहीं आ पा रहा कि असली कौन है, जो असली हमें समझाते हैं, उनको कैसे समझें? देखिए, एमएसपी तो पहले भी नहीं थी, एमएसपी का कानून तब नहीं था जब कांग्रेस की भी सरकार थी और सपा की भी सरकार थी, और जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं उसी आरएलडी से चुनाव लड़ चुके हैं, सपा की भी सरकार आ चुकी है। एक मिनट इकबाल जी, तथ्यों की नहीं, ये आपका धरना स्थल नहीं है, आप जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, आपका धरना स्थल नहीं है। पहले ही बोल दिया था राकेश जी, मैंने पहले ही बोल दिया था, आप बोलने नहीं देते जब तक मैं रखता हूँ। एमएसपी पे आंदोलन हो रहा था, एमएसपी तो अभी तक नहीं थी, एमएसपी अभी नहीं था, आंदोलन तब शुरू हुआ जब कानून आए, और आपके नेता तो चिल्ला कर कहते थे। मुझे इन लोगों पे उतना ही भरोसा है जितना इनको हमारे देश के लोकतांत्रिक पद्धति पर, देश के सिस्टम पर है। तो ऐसे लोग शोर मचाएं, इंटरप्ट करें, आपको बोलने ना दे, तो जिम्मेदार आप खुद हैं राकेश भाई। प्लीज, अगर बात सही है तो लोगों से बात क्या किया जाए, इनके पास सवाल, इनके पास सवालों के जवाब आप करेंगे। बोलने वाली बात कौन है या क्या बोलना है? एक सवाल का जवाब दीजिए, आप एमएसपी कानून लाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, एमएसपी कानून तो जिस पार्टी से आपके नेता चुनाव लड़ चुके हैं उसकी भी सरकार रह चुकी है, उस समय क्यों नहीं किया? आपने आंदोलन इसलिए शुरू किया, कानून आया, कानून में आपकी सहमति नहीं थी और कानून वापस हो गया, यही आपके नेता का नारा था, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज आपके कानून पे, एमएसपी पे कानून आ गया, अब आगे और बढ़ेगा, तो आपको राजनीति करनी है ना, चुनाव आपके नेता चुनाव हार चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है। प्रिया प्रिया प्रिया, आखिरी कमेंट मैं चाहता हूँ आपके पास से, आखिरी कमेंट चाहता हूँ राकेश भाई, मेरे सहयोगी है। हम लोग करीब 20-22 दिन से जो है ना, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाके यही समझ रहे हैं कि क्या चीजें हैं और कैसे लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं। तो प्रिया भी एक बार समझाएगी, प्रिया इस कन्वर्सेशन में आपका ओपिनियन क्या तय हो पाया, हम असली कौन नकली, क्या असली कौन, कैसा झूठ कैसा सच? बिल्कुल रोहित, देखिए आज सुबह से लगातार हम किसानों के बीच में रहे, और उत्तर प्रदेश के किसान खासतौर पर देखिए गोरखपुर में, गोरखपुर के किसान ये कह रहे कि भाई हमारे पास तो इतनी फुर्सत नहीं है कि हम जाकर बॉर्डर में बैठे एक साल तक, क्योंकि जो किसान है उनके पास खेतों में इतना काम होता है कि फुर्सत ही नहीं है। किसानों का एक सवाल था कि जो वहाँ पे लोग बैठे क्या वो ये बता पाएंगे कि एक बीघे में कितनी उपज होती है, ये शायद वो लोग बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो असली किसान ही नहीं। और देखिए जहाँ तक बात रही कृषि कानून वापसी की, कृषि कानून की वापसी हो गई, फिर बात हुई कमेटी की, तो प्रधानमंत्री ने ये खुद ही ऐलान किया कि देखिए कमेटी भी गठित की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे सहयोगी जो लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट पहुंचा रहे थे, अब असली और नकली का फर्क मिटाने की कोशिश भी कर रहे थे कि कौन सच्चा कौन झूठा। और इकबाल खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने जो आज सर्टिफिकेट बांटा ना फिर से किसानों को कि ये नकली है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम देश ये भी तो देखेगा। राकेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए आपको तो वक्त अब जो है ना, वो जो किसान नेता हैं जो धरने पर बैठे हैं, जो खुद में सब कुछ हैं, जो खुद में सच्चे हैं, वही दे पाएंगे। हम तो कोशिश ही करेंगे कि आप बोल पाएँ, क्योंकि यही तय करते हैं बक्कल उतारना है, ट्रैक्टर चढ़ाना है, कहाँ लेके चलना है, कैसे चलना है, हर सिस्टम से ऊपर। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए।
शंखना जारी है और सच तो बोलूंगा और सच दिखाऊंगा भी। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आप तय कर लीजिए कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन नकली है कौन असली है। अपना ख्याल रखिए, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है।